हेलो फ्रेंड्स, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को डिस्कस किया करेंगे। इस सीरीज को आरएलबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेल वार्डन जैसे एग्जाम्स के हिसाब से हमने तैयार किया है। ये हमारा इस सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें हमारा आज का टॉपिक है यूनिट्स यानी मात्रक। इसमें मात्रक के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मात्रक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशियां कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति को दर्शाने के लिए भौतिकी के जिन पदों का उपयोग किया जाता है वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञान करने के लिए हम द्रव्यमान का उपयोग करते हैं, जैसे जिनके मात्रकों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती हैं। पहली सदिश अदिश राशियां, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी होती हैं सदिश राशियां, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब सबसे पहले देखते हैं अदिश राशियां कि अदिश राशियां क्या होती हैं। तो अदिश राशियां वे राशियां या वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल भौतिक प्रमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है द्रव्यमान, दूरी, चाल, शक्ति तथा ऊर्जा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखते हैं सदिश राशियां कि सदिश राशियां क्या होती हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए भौतिक प्रमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों के उदाहरण है विस्थापन, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन और आवेग, इंपल्स आदि सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं यूनिट्स कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स यानी मात्रक क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो अ फिक्स्ड अमाउंट और नंबर यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, अर्थात माप के मानक के रूप में प्रयुक्त एक निश्चित मात्रा या संख्या मात्रक या इकाई कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मापने के मानक को मात्रक कहा जाता है, अर्थात किसी भौतिक राशि को मापने के मानक को मात्रक कहती है। जैसे मीटर दूरी का मात्रक है, किलोग्राम भार का मात्रक है, या द्रव्यमान का मात्रक है। किलोग्राम समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब देखते हैं मात्रक के प्रकार। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहले मूल मात्रक, दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले देखते हैं मूल मात्रक की मूल मात्रक क्या होते हैं। इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। तो भौतिक राशि के अंतर आने वाले सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्वतंत्र यानी फ्री मानकों का प्रयोग करते हैं। ये मानक अन्य किसी मानक पर निर्भर नहीं करते हैं।
और अतः इसे मूल मात्रक कहते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम शॉर्ट में केजी, समय का मात्रक सेकंड, ये मूल मात्रक होते हैं। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक, इन्हें इंग्लिश में ड्राइव्ड यूनिट भी कहते हैं। तो वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, अर्थात व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से बनते हैं। ये दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या इनसे निगमित होते हैं या किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। बल का से मिलकर बना होता है, तो कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल से प्राप्त होता है। ये सारे मूल व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से बनते हैं। अब देखते हैं मात्रक पद्धतियां के मात्रक क्यों बनाने या भौतिक राशियों को मापने के लिए किस प्रकार की या कौन कौन सी पद्धतियां प्रमुख हैं। तो भौतिक राशियों को मापने हेतु मात्रकों के लिए चार पद्धतियां प्रचलित हैं। उनमें सबसे पहले एमकेएस पद्धति, दूसरी है सीजीएस पद्धति, तीसरी है एफपीएस पद्धति, चौथी है एसआई पद्धति। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एसआई एक स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल पद्धति है। देखते हैं सात मूल मात्रकों के, एसआई पद्धति के मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जैसे शॉर्ट में केजी, या इसे केजी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। समय का मात्रक होता है सेकंड, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, और इसे सी डी से प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जिसे एम ओ एल से प्रदर्शित करते हैं। और ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। और ठोस या समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, जिसे आर ए डी से प्रदर्शित करते हैं। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसे एस आर से प्रदर्शित करते हैं। और देखते हैं अन्य भौतिक पद्धति, विभिन्न पद्धतियों में भौतिक राशियों के मात्रक। लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है सेंटीमीटर, जबकि एमकेएस पद्धति में होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है ग्राम, एमकेएस पद्धति या एसआई यूनिट में हम पहले ही देख चुके हैं। तो समय का मात्रक सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति में समान होता है। वेग या चाल का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, और जबकि एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दाब का सीजीएस पद्धति में मात्रक ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स
सेकंड इनवर्स टू या डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, जबकि एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड सेकंड माइनस टू स्क्वायर या न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि एमकेएस पद्धति या एसआई यूनिट में इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आवृत्ति का सीजीएस पद्धति में मात्रक प्रति सेकंड होता है और एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक भी प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये 2016 में पूछा गया था बल की यूनिट क्या होती है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है केल्विन, दूसरा है न्यूटन, थर्ड है बोल्ट, चौथा है पास्कल। तो इसका सही ऑप्शन है बी, न्यूटन। अब सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये एसएससी 2014 में पूछा गया था। इसका चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है लंबाई, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है समय, चौथा है डी है दूरी। तो इसका सही ऑप्शन है डी। देखते हैं ये यूपीपीएससी में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक होता है डी वाट। कार्य का मात्रक क्या है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2005 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन है केल्विन, सी ऑप्शन है किलोग्राम, डी ऑप्शन है जूल। तो इसका सही आंसर है डी, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कैंडला, बी ऑप्शन है अर्ग, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है बाट। तो इसका सही आंसर है डी बाट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पारसेक किसका यूनिट है, ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ताप का, बी ऑप्शन है कार्य का, सी ऑप्शन है दूरी का, डी ऑप्शन है बल का। तो इसका सही आंसर है पारसेक दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, बी ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और डी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स। इसका सही आंसर है ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कैंडला मात्रक है, आरआरबी एनटीपीसी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है ज्योति दाब, बी ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, सी ऑप्शन है ज्योति ऊर्जा, डी ऑप्शन है ज्योति तीव्रता। तो इसका सही आंसर है डी, ज्योति तीव्रता। पास्कल मात्रक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन पास्कल मात्रक है, तो ए ऑप्शन है आर्द्रता का, बी ऑप्शन है तापमान का, सी ऑप्शन है बल का, डी ऑप्शन है दाब का। तो इसका सही आंसर है पास्कल दाब का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है जूल मात्रक है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका इसमें ए ऑप्शन दिया है ज्योति फ्लक्स, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है बल का, डी ऑप्शन है दाब का।
जूल मात्रक है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐसा यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बल न्यूटन का, बल का मात्रक है न्यूटन, दाब जूल का, द्रव्यमान किलोग्राम का, कार्य जूल का। इसमें सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है दाब जूल का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ये एमपी पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है वाट, बी कैलोरी, सी किलो कैलोरी, डी किलो जूल। तो इसका सही ऑप्शन है ए वाट, वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी ये तीनों ऊष्मा की ही इकाई है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ए बार, बी नोड, सी ओम, डी अर्ग। इसका सही ऑप्शन है ए बार, दाब का मात्रक है बार। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है? ये एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका इसमें ए ऑप्शन दिया है हर्ट्ज, बी कैलोरी, सी डेसिमल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी डेसिमल, ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिमल है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है? आरआरवी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन ए है ओम, बी चैंपियन, डी कूलाम, सी कूलाम, डी एम्पियर। तो इसका सही आंसर है डी एम्पियर, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में ओजोन परत को मापने की इकाई है? जो उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए ऑप्शन दिया है नॉट, बी है डॉप्सन, सी है मैक्सवेल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है डॉप्सन, डॉप्सन ओजोन वायुमंडल ओजोन परत को मापने की एक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक है? इसमें ऑप्शन ए दिया है हर्ट्ज, बी है अर्ग, सी डेसीबल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए हर्ट्ज। इसी के साथ आज का वीडियो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।